प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव को योगी सरकार से बंगला मिलने के बाद लगातार उन पर तोहमत लगाई जा रही हो कि वो भारतीय जनता पार्टी के भी एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन हर बार वो यही कहते रहते हैं कि वो किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ समाजवादी हैं। अब इसी बात को साबित करने के लिए शिवपाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ पूर्वांचल में एक बड़ा दाव खेला है। शिवपाल कुशीनगर में आयोजित हुए कुशीनगर महोत्सव में शामिल हुए, जहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर वो सत्ता में आए तो खेल के विकास के लिए हर गाँव में स्टेडियम बनवाएंगे। इसके साथ ही शिवपाल ने बुद्ध को याद करते हुए कहा कि बुद्ध ने धरती पर दुनिया को शांति, अहिंसा और दोस्ती का संदेश दिया, इसलिए हम सबको इन बातों को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। खैर, शिवपाल ने जिस तरह पूर्वांचल की जनता पर दाव खेला है वो कितना सफल होगा ये फिलहाल नहीं मालूम, मगर हाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं कि योगीगढ़ में शिवपाल ने जाकर ये ज़रूर साबित कर दिया है कि उनकी बीजेपी की उन सीटों पर भी फोकस है जहाँ से वो पार्टी को कड़ी मात दे सकते हैं। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।